अब मान लो रेस दी और वो ऐसे पीछे से पूंछ बनी तो गट से डांट भी पड़ सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल तुषार जातू। भाई आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग क्या बोलूँ देखने जा रहे हैं लेने जा रहे हैं एक मिनट रुको कैसे ओए हाँ वैक्स टांगे कैसी लग रही है भाई बिल्कुल साफ सुथरी देख रहे हो आप लोग। जिसने लास्ट वीडियो जाके चेक नहीं करी वो जाके चेक करो भाई कसम से बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और जिन जिन लड़कों ने करा रखे है ना उनको फील होएगा कि कितना दर्द होता है। अगर किसी को लगा होगी 1% कभी भी तो किसी को लगा नहीं गया कोई ऐसे कमेंट नहीं आया दिमाग में अगर आ गया हो कि ओवर एक्टिंग करो तो आप करवा के देखो मेरे को वीडियो भेज देना ठीक है जब आप करवा रहे हो। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग चेक करने जा रहे हैं मस्टैंग GT 5.0 V8 और हाँ व्हाइट कलर में ठीक है। अब मतलब ब्लॉग में आगे देख लेना मैं ऐसे भी फोटो नहीं दिखा रहा वैसे दिखी गई होगी। तो गाड़ी को चेकआउट करने जा रहे हैं और ये गाड़ी मैंने देखी थी फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बता रखा है नई गाड़ी खरीदते हैं तो काफी ज्यादा मतलब उसकी ना डेप्रिसिएशन रेट बहुत ज्यादा होता है नई गाड़ियों का अनटिल एंड अनलेस इट्स यूनिक और वन ऑफ अ काइंड। मस्टैंग बहुत सारी मिल रही है बहुत सारी फोटोज देखने के बाद बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हम लोग चेकआउट करने जाएंगे ठीक है। और अब भाई लेनी है नहीं लेनी वो तो जब ये वाली बिकेगी तभी पता लगेगा ठीक है। अभी अभी i30 है ठीक है i30N इज नॉट बैड एज वेल बट मैनुअल से मैं थक गया थोड़ा सा मेरे को ऑटोमेटिक पे वापस आना है और अपने को इंजन सिलेंडर दा चाहिए जो धरती वजदा फिरे मुटे आ रहे ठीक है। तो भाई जब तक i30 नहीं बिकेगी उस तो मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तो भाई i30 मैंने काफी टाइम तक रख ली बट ऐसे मैनुअल से ना थोड़ा सा बोर हो गए थोड़ा सा अपग्रेड करने का मन हो गया। हाँ तो चेक करने जाएंगे मस्टैंग और मेरे दिमाग में ना एक दो और गाड़ियां हैं वो भी धीरे धीरे आप लोगों को व्लॉग्स में आगे बताएंगे। तो चलते हैं यहाँ से क्रेगिबन इज अबाउट 50 किलोमीटर जो कि लगते हैं 1 घंटा यहाँ से। और भाई अगर हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं ठीक है तो ये जैसे ये ब्लैक वाली आ रही है ठीक है उसके बाद ये आ रही है सिल्वर फिर धीरे धीरे करके व्हाइट हो गई ये तो भाई बहुत ज्यादा पुरानी हो गई ऐसे ऐसे कर करके ना बहुत सारी आ रही है तो बहुत सारी कंफ्यूजन है ठीक है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। और जैसे मस्टैंग लेने की बारी आ गई मतलब ऐसे सोच रहा हूँ अभी तो ऐसे कुछ ऐसे वो नहीं है परमानेंट। सब मेरे को सबसे पहली गाड़ी याद आ गई सबसे पहले गाड़ी भाई मेरी ये थी Hyundai Elantra व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया इन 2020। उसके बाद भी 6 महीने बाद गाड़ी ली फिर मैंने 1 साल बाद अपग्रेड करी पोलो GTI उसके बाद उसने बहुत रुलाया भाई बहुत ज्यादा खर्चे हो गए उसके बाद मैंने ली Hyundai i30N। तो अभी जब मस्टैंग ले रहा हूँ तो काफी सारे ना दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब लेने अभी परमानेंट ऐसे सोच रहा हूँ ठीक है मतलब प्रोग्रेशनेंट में बहुत ज्यादा करता हूँ। हाँ क्या कह रहा था मैं हाँ अब जैसे मस्टैंग ले रहा हूँ तो काफी सारी चीजें ना दिमाग में आती है गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ठीक है तो वो सारी कंसिडर करेंगे उसके बाद जाके अपना एक अच्छा डिसीजन लेंगे। और भैया ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है अगर आप जैसे अपग्रेड करना अपना कार शुरू करते हो मान लो मेरी पहली गाड़ी थी 3000 की तो अगर आप लोग उसको बेचोगे अगर अच्छी कंडीशन में रखी तो वो इन एंड अराउंड उसी के अराउंड जाएगी 2500-3000 महंगी भी जा सकती है। मैंने पहली 3200 की ली थी वो 3300 की बिकी थी फिर मैंने पोलो GTI खरीदी थी ठीक है उसने थोड़ा सा रुलाया था थोड़े से कम में गई थी बट वो नियर अबाउट उसी में चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने ली i30N जो i30N जो मेरे पास है ठीक है दैट्स अ यूनिक कार अभी वो मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और स्पेशली जो परफॉर्मेंस ब्लू कलर है गाड़ी का उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो मैं होप कर रहा हूँ कि वो उसी नियर अबाउट प्राइस के अंदर चली जाए तो मैं थोड़े से और पैसे डाल के फिर मस्टैंग ले लूंगा मतलब ऐसे मैं सोच रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि भाई अभी पैसा ज्यादा आ गया ये वो तो भाई मेरे को सिर्फ दो चीजों का शौक है एक गाड़ी का और ये कैमरा वगैरह बट कैमरा वगैरह तो यूट्यूब के लिए ठीक है ये अपग्रेड करना तो जरूरी है तो एसेंशियल है बट वो इतना जरूरी नहीं है तो घट से डांट भी पड़ सकती है वीडियो के बाद बट मैंने पूछ लिया था ठीक है पापा से पापा शौकीन है पापा ने हाँ कर दी तो देखना है क्या डिसीजन लेना है। तो भाई ये मत सोचना कि भाई तुषारित भाई इतना बड़ा ये क्या क्या दिखा रहे हो ठीक है आप स्टूडेंट हो आप पहले साइकिल पे ऊपर करते थे आपके इतना स्ट्रगलिंग वाला यूट्यूब चैनल था आप ये सब चीजें कर रहे हो तो भाई एक तरीके से मोटिवेशन भी है इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी एज वेल कि भाई मैं ये चीज कर रहा हूँ ठीक है मेरे को जो चीजों का शौक है यही उम्र है ना उसके बाद तो हम लोगों ने फैमिली गाड़ी ले लेनी है और फिर थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है ना आप लोग समझते हो ना ये चीज। तो अगर अभी अपन जवानी के शौक जी रहे हैं ठीक है जवानी लत्ता मार दी साड़ी तो अपन थोड़ा सोच रहे हैं ठीक है करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई अपने घर से करीबन 1 घंटा दूर हम लोगों को जाना है एंड क्रेगिबन में ये कितना चटक आ रहे हैं भाई क्रेगिबन सब हुए वहाँ जाना और फिर उसके बाद गुरुद्वारे भी चलेंगे। तो भैया आगे गाड़ी देखो उसका नाम है टोयोटा फील्डर अगर ये फील्डर तो मैं बोलर पहले हाथ से थे ये लोग। तो मेरा कहने का मतलब कोस्टल एरियाज में लोग जैसे मेलबर्न कोस्टल में सिडनी ऐसे करके ब्रिस्बेन
तो ये सारे एरियाज में ही लोग रहते हैं। अब भाई पीआर दे दो, बीच में वही रह लेंगे थोड़े दिन, फिर हम इधर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार ही कहीं से स्टेट स्पॉन्सरशिप हो जाती है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो आप कहीं पे भी रह सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद जो उसकी कंडीशन होती है। मान लो गवर्नमेंट बोलती है तो देखो सामने व्यू देखो, वहीं व्यू दिखाओ। गुड मॉर्निंग। तो भाई फाइनली पहुंच गई ये गाड़ी, बताते हैं चलते हैं देख के आते हैं। एक्साइटेड मेट? हाँ। फाइनली गाड़ी चला के देखी मैंने, ठीक है, बंदा साथ बैठ गया था इसलिए मैंने कुछ अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। डागर को बोलता थोड़ा बार बार से रिकॉर्ड कर ले, किया था ना थोड़ा सा, थोड़ा बहुत किया। हाँ वो आ गया होगा। हाँ गाड़ी चला के देखी, मैं आपको अपना रिव्यू बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो उसने बोला कि गाड़ी ना बहुत स्लिप कर दी है, क्योंकि पीछे पावर बहुत ज्यादा टायर्स के अंदर, और गाड़ी थी 2018 मस्टैंग जीटी 5 लीटर V8, थोड़ी सी उसने अपग्रेड करा रखी थी, 300 हॉर्स पावर थी उसने, प्लस 45 और करा रखी थी थोड़ी सी अपग्रेड के बाद। तो तुम लोग को कैसे लगी पहली बारी में बताओ? अच्छी लगी, आवाज है पर इसको आवाज का शौक हो गया, गाड़ी शोर मचाती है ना, है डेली यूज के लिए नहीं। तू बता डागर, सेक्सी गाड़ी, अच्छी है, आवाज है, एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा तगड़ा है, गाड़ी स्लिप होती रहती है। मेलबर्न मोस्टली बारिश होती रहती है, यहाँ पे कभी भी अगर बारिश हो रही है और मैंने हल्की ज्यादा रेस दे दी तो गाड़ी बहुत स्लिप कर जाती है। ये मस्ती है, या उसने मेरे को बोली है उसकी गाड़ी है, मेरे को नहीं पता, कोई मेरे को कोट मत करना। थोड़ी सी अगर आप प्रेस ज्यादा करोगे एक्सीलरेटर से स्लिप करते व्हील स्पिन होता है, बैक टायर स्पिन होते हैं और जब मान लो रेस दी और वो ऐसे पीछे से पूंछ बन गई और मैं दीवार में घुस गया, फिर क्या होगा, है ना, तो वो रिस्की है उस चीज में। और गाड़ी, हाँ और क्या कह रहा था मैं, देखते हैं, समझ नहीं आ रही, आप लोग बताओ कमेंट करके क्या करना चाहिए। लुक वाइज अच्छी है, बैठने में अच्छी है, कंफर्टेबल है, बट पीछे भी लोग नहीं बैठ सकते। सिर्फ टू सीटर है, पीछे बहुत मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल ही छोटी छोटी सी सीट्स हैं। और मस्टैंग ऐसी गाड़ी है, अगर आपके पास एक ऑलरेडी है तो दूसरी है वो, ऑनेस्टली सेकेंडरी का शौक पूरे करने वाली चीज है V8 है। बाकी देखते हैं, ठीक है, और भी गाड़ियाँ देखेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम लोग क्रेगीवन गुरुद्वारा, हवा चल गई, अभी हम लोग आए पीछे क्रेगीवन गुरुद्वारा, वहाँ चलते हैं अंदर। तो भाई हम रियली सॉरी, ज्यादा गाड़ी के अंदर शूट नहीं कर पाए। मैंने डागर को बोला था पीछे शूट कर लियो थोड़ा बहुत, ये भाई थोड़ा सा डर रहा था, और ऐसे अच्छा भी लगता है कि किसी की गाड़ी देखने जा रहे हैं उसको, अच्छा इस कैमरा लेके पहुंच गए ब्लॉगर की तरह ना, तो कोई बात है। जितनी क्लिप्स देखी, जैसे ही उस बंदे ने गाड़ी ऑन करी इट वॉज वे टू लाउड। मैंने जब गाड़ी चलाई ना इसे घूम बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है, सिर के अंदर, तो उसने थोड़ी सी ट्यूनिंग करा रखी थी जिसकी वजह से उसकी हॉर्स पावर थोड़ी सी बढ़ गई थी। नॉर्मली इट वॉज 300 हॉर्स पावर, वो 345 हो गई थी। एग्जॉस्ट सिस्टम बहुत ज्यादा लाउड हो गया था एंड चलाने में बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैंने पहली बार V8 चलाई, ठीक है, इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। अब देखते हैं आगे जाके लेने की लेने, घर पे ही पूछना पड़ेगा, थोड़ी मुठा के ले आऊंगा फिर मम्मी पापा डांटेंगे ना, क्या कर रहा है वहां पे पढ़ाई करने के। तो देखी जाएगी, अगर आप लोगों को वीडियो नहीं चलेगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी सब्सक्राइब कर देना, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम मेलबर्न बॉयफ्रेंड। व्लॉग भजन कीर्तन कर रहा हूं बैठा।